भाई ड्रोन उड़ाए थे और अचानक से बर्फ इतनी ज्यादा तेज होने लगी है ना। हाँ भाई पूरब, नेक्स्ट टाइम स्नोफॉल देखेगा? दारू पीने के बाद बर्फ में क्या करता है ये देखो, दारू पीने के देखिए। ओ बाबूजी, माँ के सम दो घंटा मेहनत करके हाथ तो ना भी सोचे ही करे यार, पामन सुनने आप कुछ मत करो, आप बर्फ हटा दो हम और तुम्हारे इनके सुनो, इनकी गाड़ी तो वैसे निकल जाएगी, इनकी तो निकाली जितना है तुम्हारे साथ सीधी निकल जाएगी। बिल्कुल साइड में नहीं, बिल्कुल उल्टा बजेगी ये, बिल्कुल साइड में निकाली। एक बार आप एक बार गाड़ी तक घूम के जाओ, भाई भी खड़े ना, भाई को ले जाओ, भाई भी खड़े हैं। लेकिन रात निकाली नहीं तो भाई भी, तो भाई भी वेट कर रहे हैं, अगर सही हो जाता सब कुछ आप तो चले जाएंगे। आधा मिलना जरूर, लेकिन पूरा भाई भाई देखो, अगर ऑनेस्टली विकास भाई, अगर हम भी होते ना, हम भी यही सोचते कि निकल जाए। देखो काम है, हमें काम नहीं है, मैं ऑनेस्टली देखो हमें काम नहीं, सबको काम है, आप तो निठल्ले हो। मैं कह रहा हूँ आप तो निठल्ले हो, इनको तो काम है, दुनिया तो काम करती है, उनको तो जाने दो। लो भाई पूरा भर भी कह रहे हैं हम भी जाएंगे। हाँ भैया आप भी जा रहे हो, ऑल द बेस्ट ब्रो, सब जाओ सब, हम यही है भाई, हम पूरा साथ देंगे, हम पूरा साथ देंगे, हम बाहर तक जाएंगे छोड़ने। हाँ सब तो वैसे निकल जाएगा तो जहाज है यार। हाँ भाई जहाज भी रोड़ा है, नहीं कोई जहाज, जहाज भी रोड़ा है भाई, तो जहाज भी रहा है, जहाज भी रोड़ सका, जहाज निकल जाएगा। बहुत बहुत भाई मैं ऐसे में निकाल के लाया था, ढाई तीन फीट बर्फ थी, कहाँ से, नारकंडा से, नहीं फॉर्च्यूनर को। तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा होगा भाई, बाहर आए अज्जू भाई और चारों तरफ कैमरा घुमाया, व्हाइट व्हाइट अज्जू भाई, यार की उंगली जमी पड़ी है। ले 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 भाई, ओ शिट। वो वरना हटे जब मेरी डिफेंडर हटे भाई, वरना वाले तो नहीं जा रहे ना भाई, ये तो निकल जाएगी यार, निकलेंगे इसमें, इसमें बज नहीं है, गेट पे बज जाएंगे, बट एक काम हो जाएगा क्योंकि इसमें ना क्या इतना बर्फ निकाली उसके बाद सीधे रे पट के जली गड़ जाए भारी, इसमें ज्यादा मेहनत नहीं है, इनको उठा उठा के ना। हाँ उस तरफ, उस तरफ चार आदमी खड़े हो जाए, उधर जाने मत दो गाड़ी को, फिर टच करवा दो बस, ये कहना चाहते हो ना आप। भाई डिफेंडर तो दम गिरे, कहां गया पूरब, कहां गया है ही नहीं चला गया, क्या और तेज होगी भाई, सुनो बहुत तेज होगी भैया, चलो आप अंदर चलो, हम तो चलो अंदर, कुछ ना यहाँ बाहर भाई, क्या था दिल्ली जाना था, बताओ ना पूरा मतलब भाई यार काम है यार दिल्ली में, हेल्प करवा सकते हैं आपके निकालने में, निकलवा सकते हैं भाई, बैठे विकास में वो गई थी ना गाड़ी, फंस गई आगे, आगे कहां फंस गई भाई, वो अभी मोड़ के आया से भैया, वो आई पुल के पास, तो अभी डेढ़ घंटे कैसे, वो है सवाल यार, यही तो चैलेंज तो यही है जिंदगी में, अज्जू भाई निकाल रहे हमारी गाड़ी गाइस। हां मैं निकाल दूं बस, गाड़ी दस जाए जब सर के ऊपर करते सिंग जावे, ठीक है भाई। देखो मेरे को पता है कि अज्जू को चाहिए कंटेंट, ठीक है, मिल गया टाइटल, नेक्सॉन गिरी खाई में, नहीं यार गिरनी नया वाली बात, अरे नहीं है मेन रोड तक की, यहाँ से रोड तक की प्रॉब्लम है वैसे, नहीं यहाँ से मेन चीज यहाँ से निकालने प्रॉब्लम है, एक बार फ्लो बन गया ना, क्योंकि उसके बाद ढलान है, तुम्हें आना नहीं है वापिस, पूरा मनाली तक ढलान है, फिर हाँ स्नो हट के हालात तुम देख रहे हो क्या हो रखे हैं, मैं तो जाने रहे विकास भाई, देखो कहाँ हो बनाना कंटेंट बाहर खड़े होकर, भाई डिफेंडर खड़ी है, ये डिफेंडर जो विकास भाई के सामने खड़ी है सबसे ऊंची लग रही है, बर्फ से और भी ऊंची है, बर्फ तुम देख रहे हो, इस चेयर देखो कितने हाल हो रहे हैं, ये तुम्हें ना वीडियो में अच्छी लगती होगी, ऑनेस्टली बोलूंगा तुम्हें, हमारा मन नहीं कर रहा बाहर जाने का, क्योंकि बाहर जाते भाई पैरों में स्नो जाती है जूतों के अंदर, फिर वो मेल्ट हो जाती है, और फिर होते हैं पैर सुन्न, उसके बाद पैरों में सॉक्स गीली हो जाती है, तुम देखो ये देखो कितना ढोलक गया ऊपर से बर्फ पड़ पड़ गई छत से, यहाँ पे भी ना डर लगता है कि ऊपर से एकदम से बर्फ आती है बहुत बुरी, हवा सा था वो कहाँ गया उसे ढूंढो, हमको तो राह थी बताती, वो खुद अपनी राह बना, देख देख ये कंटेंट क्रिएटर ने देख लिया क्या करना करे, तारा ट्रिक है ये, देखो दारू पी के, देखो दारू पीने के बाद बर्फ आदमी क्या करता है, ये देखो दारू पी रखी, देखिए चिक्के दारू पी रखी है, चिक्के दारू पी रखी है, कम पिया करो तब ना जिला था, तैर रहा है ए?
ओ भाई बच गा। सुनो आपको मैं ठाके फेंक के आ रहा हूँ, चलो बर्फ में। अरे तेरी कसम, अरे कंधे धर के आदमी ने दारू इतनी पीनी चाहिए जितनी झेल सके। दारू पी के ड्रामे करना करे। देखे बुलाइए किसके ने भाई, पानी बोतल दी किस पे? पानी बोतल दी तुम्हारे पास किस? लाइट तो आई नहीं रही, जनरेटर काम कर रहा है। नहीं भाई नहीं दूं ना दू भाई। तुम देख रहे हो क्या हालत हो रखी है, बहुत भयंकर वाली स्नो स्टार्ट हो चुकी है। मैं कह रहा हूँ बर्फ रात से रुकी, रात से स्नोफॉल रुकी नहीं रही है भाई। ये आलिए है, ये अपनी गाड़ी साफ करने आए ना, नहीं निकल पाएगी यार मुझे। तो भाई खजान दोनों छोड़ दो ना, लौटो ना, क्या करें भाई, कुछ ना लौटो अपना आराम से। ये आ रही गाड़ी, तुम्हें जाना है तो देखो भाई, काम है ना दिल्ली यार, मौज मस्ती हो गई भाई, बहुत बड़ी भाई। अगर निकलना है तो ही साफ करियो, नहीं तो फिर क्यों ही साफ करियो, मतलब नहीं निकलने का। तो ना वैसे दिखा रहा हूँ मैं तो, ये गाड़ी का लोगो रहा है, दिखा अब तू ये गाड़ी को पहुंच रहा है यहाँ पे। तो करेंगे हम जंग, जंग जंग भाई, बहुत गलत जम गई है। कहाँ ब्लैक आइस कहाँ यहाँ? अरे भाई मैं फिसल रहा हूँ, आप तो भाई प्यार में हो इसलिए फिसल रहे हो। और इसमें तोड़ दिया वाह वाह, बेटे मौज करती वाह भाई, है तू तो बड़ा हैवी ड्राइवर है, कर दिया नुकसान अगले इनको। ऐसे नहीं होगी, ऐसे नहीं होगी, सुनी सुनी यही आएगी बार पाके सामने भाई, मेरे को कही थी विकास भाई ने। ठीक है बचिए ना, जम जाते हैं। हाँ देखा जम जाते जो भाई, शिवम क्या बोलना चाहेगा भाई, नेक्स्ट टाइम फिर आओगे स्नोफॉल देखने? नहीं भाई हाँ भाई पूरब नेक्स्ट टाइम स्नोफॉल देखेगा कद्दू कह रहा जिंदगी में पहली बार देखे रही ऐसी देखी कोई बीकेएलई होगा। तो भाई ये बाइक्स है ठीक है, जहाँ आपको दिख नहीं रही है, ये यहाँ बाइक्स खड़ी है, स्कूटी है ठीक है। एंड भाई ये गाड़ी भरना है, इसके जस्ट थोड़ा सा दिख रहा है ना आपको, थोड़ा सा दिख रहा है, थोड़ी देर बाद दिखे गाड़ी खत्म। ये देखो ये छत से ऐसे बर्फ गिरती है, ये एवलांच टाइप में आती है भाई, ये बहुत रिस्की होती है जब ऊपर से गिरती है ना, तो नीचे आओ ऊपर से वैसे डड़े के डड़े पड़ते हैं ना। फॉर्चुनर पे अभी हटाई थी ना, फॉर्चुनर पे साफ की थी ना, ऑलमोस्ट फिर जम गई। और डिफेंडर पे देखो, मैं कह रहा हूँ कि जो मैंने फॉर्चुनर का कहा था ना कि फॉर्चुनर जो भाई डिफेंडर ने, उससे ज़्यादा बर्फ देख लिया। तुम देख रहे हो ऑलमोस्ट 3 फीट बर्फ है भाई गाड़ी पे। ये सारा चीज़ भाई बर्फ हटाया, अभी हटाई बर्फ, वापस कोई बर्फ आ जाएगा हटा के। भाई सुन मेरी बात, वहां से हटाओ पहले, थोड़ा सा ऊपर चढ़ा उसको, हाँ ऊपर चढ़ा उसको, पर चला लेते ना कुछ बचपन, थोड़ी सी बस कस्सी वस्सी बढ़िया रहता, आज काम आ जाती है। बस अब खुल गया भाई, गाड़ी निकाल रहे हैं इसको, बर्फ तो हटा दिया। बट मेरी बात मानो ना, काम कर देना, क्योंकि एक बार एक ही फ्लो में निकाल देते इस गाड़ी को। देखो सबसे पहले तो एक होगा, पहले एक ही बार गाड़ी एक निकलेगी, जैसे i20 निकालनी है तो पहले इसको यहीं रहने देते, i20 को आगे छोड़ जाते हैं, एक गाड़ी नहीं, एक काम कर, गाड़ी ना दोनों, क्योंकि i20 निकलवा दो पहले। आ रही है, आएगी भाई एक फ्लो में आ जाएगी गाड़ी यार, पीछे और कर ले थोड़ी सी अगर हो रही है तो, बस 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 आ जाएगा भाई, वो हटाना पड़ेगा थोड़ा सा, वो पूरा टक्कर बन गया। आगे ले रहे हैं, मत कर, सीधा 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 ऊपर डाल दो ना, ऊपर डाल दो, वो टायर के सामने से, टायर के सामने से, बिल्कुल टायर के सामने से हटा दो भाई। देख लिए भाई, पहला अपना रिकॉर्ड अपने ही तोड़ दे विकास भाई, है ना विकास भाई, अपने रिकॉर्ड सारे अपने ही अप ही में तोड़ते। स्टार्ट करूंगा बट ये तो इसका तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो एक सेल्फ में स्टार्ट हो जाएगी, नॉर्मल सी चीज़ है इसके लिए, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट मेरे को बर्फ हटानी पड़ेगी। एंड तुम देखो सारा मौसम खुल चुका है फिलहाल, तो पूरा दिन आज हमारा यहीं निकल गया, क्योंकि और कुछ है नहीं करने को, बाहर जा नहीं सकते। अगर बाहर चला गया, मैंने बताया था गेट में गाड़ी टच होने का बहुत डर है, क्योंकि गेट थोड़ा छोटा है एंड स्लिप होके लगेगी, वरना लोग निकाल रहे हैं भाई। मज़ा आया आराम से सुना? तो भाई मैं बार अपनी गाड़ी की खिड़की खोल के देख लो, खुल रही है ना खुल रही है, भाई हीटर ऑन करना, हीटर ऑन कर रखा भाई, वाइपर मत चलाना, बाकी वाइपर चलेगा नहीं टूट जाएगा। हाँ। इतनी बर्फ है, 2.5 फीट बर्फ है इस पे, थोड़ा थोड़े ना है, हाथ का तो सुन लोगे, ये सनरूफ हुआ करता था, करता था सनरूफ खोल दूं भाई, तुम पागल हो क्या? तुम पागल हो क्या भाई? अरे ये पागल हो गया, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है।
संकट आ गया, अंधेरा खूब हो गया। हाँ क्या दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा ना भाई, ड्रोन उड़ाए थे और अचानक से बर्फ इतनी ज्यादा तेज होने लगी है ना कि ड्रोन हमें समझ भी नहीं आ रहा है कि ड्रोन एक्चुअली है कहाँ पे। इसमें लोकेशन भी नहीं आ रही यार। हाँ, इसका गिम्बल भी अपडेट नहीं हो रहा और ये जैसी लोकेशन पे फिर वो बंद हो जाता। अरे यार यार फिर हो गया, फोकस कर ले यार। तो भाई आज कहीं निकलने का नहीं है क्योंकि बर्फ अब दोबारा से स्टार्ट हो चुकी है, फिर दोबारा से हैवी। अभी ड्रोन उड़ाया था वो क्लिप मैं आपको भेजता हूँ। हाँ, भेजना भाई। लोकल्स ने हेल्प की एंड मिल गया उनको दिखा क्योंकि भाई कैमरे के ऊपर बर्फ आ गई फिर दिख रहा है सेंसर दोनों के ऊपर बर्फ। भाई अचानक से स्नोफॉल कितनी तेज स्टार्ट हुई, बहुत तेज है भाई। मैं एक तो पूरी लाइट नहीं आ रही यहाँ पे एंड मैं थोड़ा सा रेस्ट करने की सोच रहा था, फिर पूरा का कॉल आ रहा है भाई गाड़ी निकलवा दो, पर थोड़ा सा धक्का लगा के मैं चलो आ लिया। फिर ले बैग, अब आ फिर बैग ले, फिर आ। ब्रेक क्यों मार, ब्रेक तो मारनी नहीं भाई, वो तो रिपटेगी उधर, ब्रेक मारने नहीं है भाई। भाई फिलहाल अभी नेक्स्ट वन निकाल रहे हैं तो ड्राइविंग सीट पर आ गया तुम्हारा भाई, बट वो ये ना यार आगे टच होने का डर लेफ्ट में, तो खिड़की भी दबा सकती है क्योंकि बर्फ जम गई है, ये ऊपर तो भरभरी अंदर टाइट है, ये टाइट है, ये वाला पोर्शन ये टाइट है, तो खिड़की भी दब सकती है यार इससे, बट स्क्रैच तो नहीं लगेंगे पर हाँ डेंट लगने का डर है, और तो सब दिखे जाए। बाकी I-20 निकल गई है जिप्सी, बहुत बुरा हाल है भाई, बहुत बुरा है। लो भाई यहाँ से तो निकल गई गाड़ी, टर्न करना बहुत मुश्किल था, मैंने हैंड ब्रेक खींच के मैंने बोला धक्का मारो क्योंकि गाड़ी के टायर घुमा के जब आराम से राइट टर्न होगी और यहाँ पे अब अटक गई यहाँ पे बस थोड़ा सा ही भाई, वहाँ दिक्कत नहीं है। लो भाई निकल तो गई, अब ये बस थोड़ा ये है कि इधर उधर लग ना जाए, निकल तो गई गाड़ी। इतना थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हम ले रहे हैं सुनो का, ऐसा भी नहीं है मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ, इसको निकलने दो पहले तो भाई, क्योंकि गाड़ी का ना थोड़ा सा इधर उधर होकर टच होने में डर लगता है। देखो मैं निकालने को निकल जाएगी गाड़ी बट वापस से उसमें डालना फिर पार्किंग में नहीं डलेगा, और आपको पता जगह है नहीं रोड पर खड़ी करनी या तो फिर मेरे को मेन हाईवे पर खड़ी करनी पड़ेगी, इसलिए हम गाड़ी को नहीं चला रहे हैं। भाई ब्रेक मारूंगा ना तो स्पीड बढ़ जाएगी गाड़ी की बहुत तेज, मैं इसको ना बिल्कुल फर्स्ट गियर में लगा रखा है, हल्का सेकंड ब्रेक खींच रखा है और उसमें चला रहा हूँ मैं इस गाड़ी को, क्योंकि यार ये फ्रंट व्हील ड्राइव है ठीक है, और इसका टायर ना नॉर्मल है और वो भी घिस रखे हैं, ऑलमोस्ट 50% जा रखे है वो टायर, बस यही है कि बस वही है चल रही है तो चल रही है। हाँ वापस आएंगे तो नहीं आ सकती, कोई मतलब नहीं है गाड़ी आने का वापस आ जाइए, ये तो ये है कि ढलान की तरफ चलो थोड़ा बहुत इसको सही ट्रैक्शन मिल रहा है इस वजह से चली जा रही है। भाई वापस आते वक्त मेरी हालत ख़राब हो जाएगी क्योंकि मैं चप्पल में हूँ, मेरी फटके हाथ में आ जाएगी भाई। मज़ेदार भाई टिका दी भाई आपने, थैंक यू, लव यू भाई। आगे ना कहीं भी नहीं लगी एकदम स्मूथ लगी, बिल्कुल प्यार था ही है। एक बार लगी थी टर्न पे, मैं कहीं रहेगी नहीं, नहीं लगी वो भी थोड़ा भाई, ये क्यों हिल रहा है अभी, ये तो हवा हवा चल गई क्या, हवा चल गई, हवा चल गई तो फिर खुल जाए मौसम। बाकी भाई तुम देख रहे हो मैंने कभी ऐसा देखा नहीं है, चार पांच साल में ऐसा पहली बार स्नो हुई है चार पांच साल में, एंड अभी भी हल्की हल्की हो रही है बहुत मामूली मामूली सी, बट अब कहते हैं ना कि अब भर गया मन स्नो से, इसलिए तो फिर हमने एक गाड़ी चलो आगे, अभी यहाँ से पैदल जाएंगे ऑलमोस्ट ना करते 200 मीटर है होटल हमारा, बट भाई बहुत अमेजिंग व्यू था। एंड अभी तुम देखो ये देख रहे हो, ये तुम्हें ना कैमरे में तो ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा होगा, फोन का कैमरा कम करता है, बट अगर रियल में देखोगे ना भगवान का ऐसा लग रहा होगा कि पूरा चादर है वाइट की, मतलब ऐसा हाल हो रखा है, बहुत अमेजिंग है यार। मैं सोच रहा हूँ कि डिफेंडर निकाल लूँ और एक बार चक्कर मार दूँ, बट वापस उस अंदर नहीं जा पाएगी पार्किंग में, मेन चीज़ ये है क्योंकि वहाँ एकदम से टर्न है। सो भाई फिलहाल यहाँ से मैंने जूते ले लिए स्नो वाले थोड़े से, मगर भाई चप्पलों में चला गया था और चप्पलों में घूम रहा हूँ मैं, फिर वो तो कहते बीमार हो जाएगा तू, फिर मैं यार के ग्रुप पर जाके फिर जूते जो जॉर्डन थे वो भाई गीले हो गए थे, अब तुम्हें अंदाजा लग जाएगा बर्फ़ का, मेरी गाड़ी पे बर्फ़ देखो कितनी है।